हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने फ़ोन की ऐप्स को हाइड कर सकते हैं। ये पर्टिकुलरली ऐप्स को हाइड करने से रिलेटेड वीडियो नहीं है। समटाइम ऐसा होता है कि हम अपने फ़ोन को यूज़ कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल हम अपने फ़ोन का व्हाट्सएप यूज़ कर रहे होते हैं और कोई आ जाता है, फॉर एग्जांपल पापा आ जाते हैं या मम्मी आ जाती है, कोई भी पेरेंट्स आ जाते हैं और वो आपसे आपका फ़ोन मांगते हैं, तो आप दे नहीं सकते क्योंकि कुछ ना कुछ चल रहा होता है ऐसा जो हम दिखा नहीं सकते उनको। तो उस टाइम पे क्या करना है, जो मैं करता हूँ क्योंकि मैं भी फंसता रहता हूँ बार बार, दो चार बार तो फंस ही चुका हूँ, आपको सिर्फ 7 सेकंड्स चाहिए अपने फ़ोन को कम्प्लीटली चेंज करने के लिए। जस्ट आपने यहाँ पे जाना है और ये आपके यहाँ पे आएगा यूज़र्स, यूज़र्स पे आगे आपने गेस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेस्ट पे क्लिक करेंगे 7 सेकंड्स लेगा ज़्यादा से ज़्यादा और ये हो गया कंटिन्यू। अब आपका फ़ोन कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। मैं यहाँ पे व्हाट्सएप यूज़ कर रहा हूँ अपने फ़ोन का, क्योंकि मैं वहाँ पे व्हाट्सएप यूज़ नहीं करता, मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ और मैं अपनी जो यूट्यूब वीडियोज़ हैं वो भी मैं गेस्ट मोड में ही बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं, अगर आप वहाँ पे स्टार्ट ओवर कर देंगे, यहाँ पे रिमूव गेस्ट करेंगे तो फिर आप डायरेक्टली वहाँ पे आ जाएंगे। अगर यहाँ पे ऑप्शन आता है स्टार्ट ओवर करने का तो फिर आप अगेन सारा फ़ोन ऐसा होगा जैसे अभी अभी फॉर्मेट हुआ है। यहाँ पे आपकी फ़ोटोज़ वगैरह भी नहीं दिखाई देंगी और मैसेजेस भी अगर कोई खोलना चाहे तो नहीं खुलेंगे, ये सिंपल मैसेजेस भी नहीं खुलेंगे। आप कह सकते हैं कि मैंने अपना फ़ोन अभी फॉर्मेट किया है। तो इस तरह से आप आसानी से बच सकते हैं। मैं भी, मेरे बहुत काम आई है तो मुझे लगा इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।